इसके अंदर आपको मिल जाते हैं तीन HDMI पोर्ट्स। यहाँ मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देना पड़ेगा। इसमें आपको तीन HDMI पोर्ट मिल जाते हैं एक साइड पे ही, यहाँ पे 3RC भी मिल जाती है और डबल USB। कोई भी लोहे के आइटम में मार लेंगे ना, आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए लोहे का स्टैंड होता है ये टीवी का, और मैं इसको भी खोल के, ये देखिए ये दीवार पे लगाने वाला स्टैंड है लोहे का, इसको भी मैं इनबॉक्स इंडिया की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये है हमारा एपिसोड 3, 43 इंचेस का कौन सा टीवी लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो 43 लगे हुए हैं, पर एक हमने लगाया है 50। अब इसलिए लगाया है हमने बताने के लिए आपको कि ये सेम क्वालिटी 43 में भी मिल जाएगी हमारे पास, 50 में मिल जाएगी और 55 में भी मिल जाएगी। अब ये कौन से मॉडल है, ये स्पेशली उनके लिए है जिनके घर में छोटा बच्चा है और आपको लगता है हमारा बच्चा बहुत शरारती है, टीवी किसी में कूचे मार देता है, या टीवी टूट चुका है उनका पहले, या टीवी टूट सकता है, ठीक है जी। तो उनके लिए हमने बनाया है अनब्रेकेबल सीरीज। ये सारे जितने मॉडल लगे हुए हैं सारे अनब्रेकेबल टीवी हैं, यानी आप इसकी स्क्रीन पे कुछ भी मार लेंगे ये टीवी टूटेगा नहीं। यानी कि आप अगर कोई भी लोहे के आइटम में मार लेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए लोहे का स्टैंड होता है ये टीवी का, और मैं इसको भी खोल के, ये देखिए ये दीवार पे लगाने वाला स्टैंड है लोहे का, इसको भी मैं सेम इस पे, इन टीवी को कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि ये स्क्रीन बनी हुई है अनब्रेकेबल के हिसाब से। अब सबसे पहला टीवी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये है हमारा 43 इंचेस का इनबॉक्स का टीवी जो कि हमारे ब्रांड के अंदर आता है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं इनबॉक्स। अब जो हमने इस टीवी को, यानी सबसे पहले 32 इंच में निकाला था, हमारे पास जो इनबॉक्स के अनब्रेकेबल टीवी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 32, 43, 50, 55 सब साइज में आपको अनब्रेकेबल टीवी मिल जाएंगे, पर वो एंड्रॉयड बेस्ड टीवी रहते हैं, यानी कि ये होता है एंड्रॉयड बेस्ड, ये होता है गूगल टीवी। अब गूगल टीवी एंड्रॉयड टीवी में आप जो फर्क आपने देखना है समझना है, आपको एपिसोड 1 देखना पड़ेगा, यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिला हुआ है, एपिसोड 1 देख लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एपिसोड 3 स्पेशली अनब्रेकेबल टीवी के बारे में है, तो ये इनबॉक्स का आता है अनब्रेकेबल टीवी। 2017 में हमने सबसे पहली बार इंडिया में अनब्रेकेबल टीवी लॉन्च किया था। अब तो बहुत सारी कॉपीज आ चुकी हैं, पर कॉपी लोग कितने हद तक कर सकते हैं, आपको 32 इंची दे देंगे, 43 दे देंगे, पर 50 इंची और 55 इंच किसी के पास अनब्रेकेबल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे पास ही स्टॉक मिलने वाला है उस चीज का आपको। 43 इंच एंड्रॉयड टीवी फीचर क्या क्या मिल जाते हैं आपको, सबसे पहली बात जितने भी अनब्रेकेबल टीवी हम बनाते हैं उसके अंदर हमें मेटल बॉडी यूज करनी पड़ती है, पीछे जो बॉडी होती है ये भी मेटल रखनी पड़ती है। अब हमारे जितने भी टीवी बनते हैं वो पूरा फ्रेम टू पैनल रेशियो के अंदर बनते हैं। फ्रेम टू पैनल रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आप पास आके देखेंगे तो ये हमने पूरी फ्रेमिंग करी होती है जिसके अंदर आपका ग्लास फिट हो जाता है और ये निकलने का नाम नहीं लेता, ये होती है फ्रेम टू पैनल रेशियो, ठीक है जी। अब ये फायदा मिलता है आपको कि आपको ऊपर से नहीं लगाना पड़ता ग्लास, स्क्रीन के साथ ही इसको अटैच करके फिट करके लगाया जाता है, तो ये बेनिफिट मिलता है। और साथ में यहाँ पे आपको ऊपर बिडिंग मिल जाती है, तो अगर ऊपर से भी आपको कोई चीज लग जाती है इसके अंदर तो आपके टीवी को कुछ भी नहीं होता है, ये बेनिफिट मिलता है आपको इसके अंदर। फीचर की बात करते हैं तो आपको एमोलेड डिस्प्ले, फ्रेमलेस टीवी मिल जाता है विद इनबिल्ट साउंड बार, 20 वॉट के दो स्पीकर हम यूज करते हैं, पीछे देख सकते हैं एक दो स्पीकर लगे हैं 20-20 वॉट के, मेटल बॉडी मिल जाती है, सारे पोर्ट्स आपको डबल मिलते हैं, डबल HDMI पोर्ट, डबल USB पोर्ट, डबल 3RC पोर्ट, लैन VGA हेडफोन जैक, ये सारी चीजें आपको इस टीवी के अंदर इनबिल्ट मिल जाती है। ब्लूटूथ इनबिल्ट मिलता है, यानी आपको कोई भी अपना स्पीकर या होम थिएटर या आपने कोई हेडफोन वायरलेसली टीवी से अटैच करने हैं वो आप इससे कर सकते हैं क्योंकि ब्लूटूथ इनबिल्ट मिलता है आपको। गूगल असिस्टेंट या टीवी से पूरी बात कर सकते हैं, एक बटन दबाएंगे और टीवी से जो भी सवाल या जवाब आप पूछेंगे वो टीवी आपको बताता जाएगा, ये फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। सारी OTT प्लेटफॉर्म की एप्स आपको इनबिल्ट मिल जाती है, यहाँ पे आप जाएंगे इस पे आते हैं, यहाँ पे आपको सारी एप्स के बटन मिल जाएंगे, साथ में टॉप पिक्स यानी जो भी नया ट्रेंडिंग आ रहा है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपने सिंगल क्लिक करना है, आपके पास वाईफाई होना चाहिए, यहाँ से आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर रहने वाला है, यानी इसके अंदर आपको 4 कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, GPU माली मिल जाता है,
1GB 8GB रैम रोम मिलती है, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ और गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट मिल जाता है। तो ये आ जाता है एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी अंडर द ब्रांड नेम इनबॉक्स। हमारा टीवी बनता है जो हम जो खुद बनाते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो ये टीवी आ जाता है। इसके बाद और ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो याद दिखाता हूँ आपको मैं गूगल टीवी। अब गूगल टीवी में क्या फर्क है आपके एंड्रॉयड टीवी से? देखिए सबसे मेन फर्क है वाईफाई की कनेक्टिविटी, यानी इसके अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मिलता है, इसमें आपको ड्यूल बैंड वाईफाई मिलता है, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों मिल जाते हैं। अब 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होता है जी, देखिए लोग देसी भाषा में उसको बोलते हैं 4G, इसको बोलेंगे आपको 5G। 5G और 4G का आपका फर्क आ जाता है इन दोनों टीवी के अंदर, ठीक है जी। इसमें आपको सेटअप गूगल टीवी का ऑप्शन आता है, सेटअप गूगल टीवी करते हैं तो आप अपने फोन पे गूगल होम की एक ऐप डालते हैं और अपने फोन से ही अपने टीवी को पूरा सेटअप कर सकते हैं, ये बेनिफिट मिलता है आपको इसके अंदर। इसमें हर एक ऐप सर्टिफाइड मिलती है, एंड्रॉयड में आपको मोबाइल की एप्लीकेशन टीवी में डली हुई मिलती है, पर गूगल टीवी के लिए अलग से सर्टिफिकेशन आती है, तो सारी ऐप्स आपको सर्टिफाइड मिलती है, यानी अमेज़न नेटफ्लिक्स कुछ भी आप चलाते हैं सारा HDR क्वालिटी के अंदर चलता है। इसमें आपको HDR10 मिल जाता है गूगल टीवी के अंदर। और क्या बेनिफिट मिलता है आपको, गूगल गेम्स, गूगल म्यूजिक और साथ ही साथ इसके अंदर गूगल मूवीज। मूवीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, एक बार आपने साइन इन करना है अपनी गूगल आईडी पे और ये तीनों चीजें गेम्स म्यूजिक और मूवीज तीनों चीजों का आप फुल मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपने वाईफाई से अपने टीवी को कनेक्ट करना है। ये इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जाके आप अपनी सेटिंग्स इनपुट सब कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए 50 इंची में क्या खासियत मिलने वाली है, बाकी जो टीवी के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 3 HDMI पोर्ट्स। यहाँ मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देना पड़ेगा। इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं एक साइड पे ही, यहाँ पे 3RC मिल जाती है और डबल USB पोर्ट मिल जाते हैं। साउंड बार देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी साउंड बार लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे आप ये देखिए साउंड बार कितनी बड़ी लगी हुई है, और नीचे भी आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बेनिफिट मिलता है गूगल टीवी में जो कि एंड्रॉयड टीवी में आपको नहीं मिल पाता है। अब एक बेनिफिट और इसमें आपको मिलता है वन टच गूगल असिस्टेंट। क्या होता है, जब आप एंड्रॉयड टीवी लेते हैं आप इसमें वॉइस रिमोट का बटन दबा के रखते हैं, दबाते हैं उसका टीवी को कमांड देते हैं, वो टीवी आपको वो चीज करके दिखाता है। अब इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपने दबा के नहीं रखना, होल्ड करके नहीं रखना बटन को, सिर्फ वन टच एक बार आप बटन को दबाएंगे, यहाँ पे आप कमांड देंगे, वो चीज आपके टीवी की स्क्रीन पे होती रहेगी। ये बेनिफिट मिल जाता है आपको गूगल टीवी के अंदर, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक और बेनिफिट जो कि एंड्रॉयड में नहीं मिलता, आप इसमें सेटिंग ऐसी कर सकते हैं कि आपका फोन का सारा डाटा, जितनी भी एप्स आप अपने एंड्रॉयड फोन पे यूज कर रहे हैं, एक बार अपने फोन की आईडी डाल दीजिए, पूरा का पूरा फोन उठ के आपके टीवी की स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बेनिफिट आपको मिल जाता है गूगल टीवी के अंदर जो कि एंड्रॉयड में नहीं मिलता। एंड्रॉयड में आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है जी। कॉम्पोजिट का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पे कॉम्पोजिट भी आज मिल जाता है, चैनल का ऑप्शन आपको मिल जाता है अलग से, चैनल आप स्कैन कर सकते हैं, यानी DTH भी लगा सकते हैं आपको, जिसके पास सेटअप बॉक्स है तो सेटअप बॉक्स को भी लगा सकता है स्कैन करके, यहाँ पे चैनल लाइव चैनल भी देख सकते हैं। और गूगल टीवी में और बेनिफिट क्या मिलते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि पिकाशु हो गई, थोप टीवी हो गई, ऑल मूवी लैंड हो गया, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, वो आपके एंड्रॉयड टीवी में नहीं चलती हैं पर आपके गूगल टीवी में चल सकती हैं। उसको डालने का तरीका होता है, जो हमें शॉप पे विजिट करेंगे तो आपको डालने का तरीका भी समझाएंगे। अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाते हैं और ब्रांड के टीवी पे आते हैं। ब्रांड का टीवी किस कैसे कह रहा हूं मैं इसको आपको चेक कराता हूं। देखिए इसके अंदर हमने क्या करा है, अपनी तरफ से एक एफर्ट डाला है अपने कस्टमर्स के लिए ताकि वो इसको ले सके। क्या एफर्ट डाला है हमने अपनी तरफ से, पहले ब्रांड बताता हूं सर, इस ब्रांड का टीवी रहने वाला है। अब इस ब्रांड के टीवी में आपको ग्लास वाला यानी अनब्रेकेबल टीवी नहीं मिलता था, पर हमने क्या करा है, जैसे कि हम अपने ब्रांड पे इनबॉक्स पे ग्लास फिट करते हैं, मैंने आपको दिखाया है हमारा फ्रेम है, इसके अंदर ग्लास अंदर चला जाता है और स्क्रीन के साथ मैच हो जाता है, पर इसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये शीशा लगा हुआ है ऊपर से जो कि हमने खुद लगाया है, यहां तक टीवी आता है ये हमने ऊपर से खुद लगाया है। ये अपना हमने एफर्ट इसलिए डाला है कि कस्टमर्स की डिमांड थी कि आप सर हमें ब्रांड के अंदर भी अगर आप अनब्रेकेबल को इसको करके दे सकते हैं
लगा के दे सकते हैं, तो प्लीज लगा के दीजिए ताकि हम भी इस टीवी को यूज कर पाए। अगर आप ये सेम ब्रांड अगर बिना ग्लास वाला बिना शीशे वाला लेते हैं तो 1000 रुपए आपको डिस्काउंट मिलता है, पर 1000 रुपए की कॉस्टिंग ऊपर जाती है अगर आप इसका ना शीशा लगवा लेते हैं तो। ठीक है जी, 43 इंच रहने वाला है इस ब्रांड का टीवी रहने वाला है। आपको मैं बता दूं कि 4K क्वालिटी रहने वाली है। अगेन मेटल बॉडी इसके अंदर भी आती है, साउंड बार स्पीकर इसके अंदर भी आते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई यानी 5G कनेक्टिविटी आपको मिलती है। कंपनी से आपका टीवी रजिस्टर होता है, आपके जब हमारी शॉप पे जब आप हमारी शॉप पे विजिट करेंगे आपके फोन पे एक ऐप डाल के देंगे जिससे आपका टीवी ब्रांड पे रजिस्टर हो सकता है। इस टीवी में वो काम आएगा, आपके एप्पल टीवी आपको इनबिल्ट मिलता है इस टीवी के अंदर। अगर आप आईफोन यूजर है तो एप्पल टीवी की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं एप्पल टीवी लाइफ टाइम के लिए। एयरप्ले देखिए, एयरप्ले अभी तक बाकी सब ब्रांड्स में नहीं आया है, सिर्फ दो ही ब्रांड्स के अंदर आया है जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। एयरप्ले क्या होता है जी, आपका आईफोन यानी OS वाला फोन अभी तक किसी भी टीवी से मिरर कास्ट नहीं होता था, पर इस टीवी के अंदर ये फीचर भी आ चुका है। आपका लैपटॉप हो या आपका iOS फोन हो, एप्पल फोन हो आपका, वो भी मिरर कास्ट हो जाता है। एंड्रॉइड फोन तो किसी भी टीवी से मिरर कास्ट हो जाता है, उसका फीचर होता है, इसके साथ भी हो जाएगा, पर एयरप्ले हर किसी टीवी के अंदर नहीं आता। इसके अंदर आपको एयरप्ले भी मिल जाता है, कोई भी अपना लैपटॉप या अपना फोन आईफोन वायरलेसली मिरर कास्ट करना हो इससे कर सकते हैं। 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, और HDMI के अंदर ARC, EARC दोनों सपोर्टेड है। ब्लूटूथ इनबिल्ट मिलेगा, ऑप्टिकल आपको इनबिल्ट मिलने वाला है, इसको ऑप्टिकल डिवाइस इनबिल्ट मिलने वाला है, यानी कोई भी आपका होम थिएटर ऑप्टिकल इनपुट के साथ हो वो भी इस टीवी के साथ अटैच हो जाएगा। फेसबुक गूगल सब कुछ ट्विटर वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं सर, रिमोट PC यानी इस रिमोट के अंदर एक खासियत और है कि आप अगर इस बटन को सिंगल क्लिक करते हैं तो इस रिमोट को आप अपने DTH कंप्यूटर लैपटॉप टीवी सबके साथ पेयर कर सकते हैं, यानी ये सबके साथ कंपेटेबल है। एयर माउस मिल जाता है, आप ये देख सकते हैं, इस रिमोट कहीं से भी यूज कर सकते हैं, माउस आपकी स्क्रीन पे चलता जा रहा है, आप सिंगल बटन दबाएंगे माउस बंद भी हो जाएगा। और माउस को ऑन करने का तरीका सिर्फ रिमोट को शेक कीजिए ऐसे, तो देखिए माउस दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा, आपके कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं मैजिक रिमोट। ये बेनिफिट मिलता है आपको इस टीवी के अंदर। अल्ट्रा HD विद HDR यानी जो इसका रेजोल्यूशन होने वाला है वो 2160x2160 प्लस आपका HDR क्वालिटी होती है, हाई डायनामिक रेशियो, और HLG क्वालिटी होती है, हाइब्रिड लॉग गामा। 8K तक पिक्चर सपोर्ट करता है ये, यानी जो भी वीडियो 8K की होगी उसको ये टीवी चला देगा। नॉट सपोर्ट फाइल नहीं दिखाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉपअप आ गया HDR का, अपने आप ही आपको दिखाएगा, पिक्चर क्वालिटी आपके सामने है, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी। हाई कंट्रास्ट रेशियो पे डिपेंड करता है, डीप ब्लैक कलर पे डिपेंड करता है इसका कंट्रास्ट। साथ में डिस्प्ले अगर एमोलेड है आपकी तो इस टीवी के अंदर आपको इतनी अच्छे डीप ब्लैक दिखने को मिलेंगे कि आप और बाकी सब टीवी को भूल जाएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं 2160x2160 FPS HDR क्वालिटी के अंदर टीवी चल रहा है यहाँ पे आपका, और ये 5.1 डॉल्बी सपोर्टेड है, यानी इसका जो साउंड क्वालिटी है वो डॉल्बी एटमॉस वाली है और डॉल्बी डिजिटल प्लस, ये दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। इसके साथ सारे जितने भी नए गेम्स वाले कंसोल आ रहे हैं वो सारे सपोर्टेड हैं, जैसे आपका PS5 हो गया या Xbox हो गया, वो सारे कनेक्टेड मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप ऑप्टिकल डिवाइस और टीवी स्पीकर दोनों को यूज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है आपने तो वायर्ड हेडफोन वायरलेस हेडफोन ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिर्फ टीवी स्पीकर देखना है तो सिर्फ टीवी स्पीकर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ब्लूटूथ आप किसी भी अपने डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी मोबाइल पे आप गाना सुन रहे हैं आपको टीवी पे उसकी आवाज चाहिए तो सिंपल है, मोबाइल पे एक बटन दबाएंगे आप तो मोबाइल की सारी आवाज टीवी पे आने शुरू हो जाएगी, ये ऑप्शन मिल जाता है आपको। आपको साउंड मोड्स के अंदर बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल प्लस, ये दोनों चीज सपोर्टेड है। वॉइस कंट्रोल सपोर्टेड है इसके अंदर, यानी आपको सर्च करना है आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने टीवी को जो कमांड देंगे, जैसे आपने सर्च करना है यहाँ पे आपने टीवी को कमांड देनी है वो चीज आपके सामने आ जाएगी। सिर्फ एक बटन दबाइए, प्ले 4K वीडियो ऑन यूट्यूब यहाँ पे आप देखिए, और स्पीड आप इसकी देखिए कितनी तेज स्पीड है, क्योंकि इसकी रैम रोम काफी अच्छी होने वाली है, 2GB इसकी रैम होने वाली है, पिक्चर क्वालिटी आपके सामने है। जितनी फास्ट स्पीड आपको इस टीवी के अंदर मिलेगी और किसी टीवी के अंदर नहीं मिलेगी, मेरी लिखित गारंटी है। अब मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इस टीवी के ऊपर ग्लास लगा हुआ नहीं आता है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट है,
हमारी कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से ही हमने इसके ऊपर भी ग्लास लगाया है। जो जेन्युइन ग्लास लगा हुआ टीवी आता है वो हमारा इनबॉक्स का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे फ्रेम टू पैनल रेशियो होता है, फ्रेम के अंदर पूरा फिट होता है। ये हमने बाहर से लगाया है तो हम कस्टमर को साफ साफ बता के देते हैं कि सर इस पे ग्लास लगा हुआ नहीं आता है, कंपनी नहीं बनाती है, ये हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है कि हमने इसके ऊपर भी ग्लास लगा दिया है। वारंटी अगेन पूरी कंप्लीट वारंटी मिलने वाली है। जो चीज वारंटी में कवर नहीं होती वो है ब्रेकेज। अगर आपसे आपका टीवी टूट जाता है तो वारंटी में कवर नहीं होता है, टूटे ना, इसलिए हमने ये ग्लास वाले मॉडल्स आपके सामने लेके आए हैं जी। और क्या वारंटी में कवर नहीं होता? पानी। आपने टीवी की स्क्रीन के ऊपर गीला कपड़ा नहीं लगाना है, गीला कपड़ा लगाते हैं तो उसके दाग स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं, पानी टीवी एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे दीवार के ऊपर सीलन नहीं होनी चाहिए आपकी, पानी नहीं आना चाहिए, आपके टीवी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप टीवी को मॉइस्चर के पास लेके आते हैं वैसे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उसमें पैचेस आ जाते हैं, या आप घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं उससे डस्ट आ जाती है। तो ये सारी चीजों से आपको टीवी को दूर रखना है, आपके टीवी में 0% कंप्लेंट आएगी। तीनों मैंने आपके सामने बता दी है। हमारे पास 55 इंचेस का भी अनब्रेकेबल टीवी मिल जाएगा, सेम क्वालिटी के अंदर 55 इंचेस का अनब्रेकेबल टीवी मिलेगा जो कि इनबॉक्स का रहने वाला है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। 43 इंचेस से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास 32 इंची का भी अवेलेबल है। 32 इंच से स्टार्ट करते हैं, 8,800 रुपए में आपको 32 इंचेस का अनब्रेकेबल टीवी मिलता है इनबॉक्स का। 43 की बात करते हैं, 43 इंचेस 14,800 में ये सारे फीचर के साथ जिसमें गूगल असिस्टेंट, ब्लूटूथ, अनब्रेकेबल मेटल बॉडी, साउंडबर्ड स्पीकर सब इंक्लूड होता है, 14,800 रुपए में आपको मिल जाता है। अब इसी के अंदर अगर आपको गूगल टीवी चाहिए, ये वाली सॉफ्टवेयर ये वाला चाहिए, 5G कनेक्टिविटी चाहिए, गूगल म्यूजिक, मूवीज और गूगल गेम्स का आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मजा लेना है तो 43 इंचेस के अंदर आएगा आपका 16,800 रुपए का। और 43 इंचेस के अंदर आप इस ब्रांड का टीवी लेते हैं, ब्रांड आपको मैंने बता दिया है, तो 17,800 रुपए का आपका अनब्रेकेबल वाला। और अनब्रेकेबल अगर नहीं लेते हैं तो 1,000 रुपए आपके कम हो जाते हैं, यानी 16,800 रुपए का रहता है। और उसमें 4K नहीं लेते, 2K लेते हैं तो 1,000 रुपए और कम हो जाते हैं आपके 2K वाले मॉडल के, ठीक है जी। और 50 इंची अगर आप अनब्रेकेबल लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गूगल टीवी का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। गूगल टीवी मिलेगा आपको 25,800 रुपए में, 25,800 में आपका टीवी होगा अनब्रेकेबल, टीवी होगा आपका ब्रांड वाला गूगल टीवी, टीवी में आपकी लाइफ टाइम फ्री मूवी चलेंगी, टीवी में आपको साउंड बार, मेटल बॉडी, अनब्रेकेबल स्क्रीन मिल जाएगा 25,800 रुपए में। और यही सारे फीचर आपको चाहिए अगर 55 इंच के अंदर जो अनब्रेकेबल टीवी रहने वाला है उसका प्राइस रहने वाला है, बहुत ही अच्छा प्राइस इस बार निकाल दिया हमने, 29,800 मिलेगा आपको 55 इंच का अनब्रेकेबल टीवी। और अगर आप 50 में अनब्रेकेबल नहीं लेते हैं, आपको 50 में अनब्रेकेबल नहीं चाहिए तो इनबॉक्स का टीवी मिलेगा आपको 21,800 का, 2GB 16GB गूगल असिस्टेंट एंड्रॉयड 12 के साथ मिलता है आपको वो, और साथ में उसे ब्लूटूथ भी इनबिल्ट मिलता है साउंड बार के साथ। और अगेन अगर आप अनब्रेकेबल 55 इंच में नहीं लेते हैं तो 25,800 रुपए का इनबॉक्स का टीवी मिलता है आपको, जिसमें आपको IPS पैनल के साथ साथ 2GB 16GB गूगल असिस्टेंट, ब्लूटूथ और साउंड बार इनबिल्ट मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे अनब्रेकेबल सीरीज का एपिसोड नंबर 3, स्पेशली उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको अनब्रेकेबल स्क्रीन चाहिए या तो ये हो गया हमारा एपिसोड नंबर 3 अनब्रेकेबल टीवी के बारे में, स्पेशली उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको लंबा यानी लाइफ टाइम चलाने के लिए एक अच्छी स्क्रीन चाहिए जो टूटे ना, बच्चों से सुरक्षित रहे और आपसे भी सुरक्षित रहे, किसी से भी हाथ से हादसा हो सकता है, लग सकती है, टूट सकती है, पर स्पेशली उनके लिए है जिनको अनब्रेकेबल टीवी चाहिए। तो सारे मॉडल मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो ऐसी सेम वीडियो देखने के लिए और भी इंफॉर्मेशन आपको टीवी के बारे में चाहिए तो आपको हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका नाम है इनबॉक्स इंडिया। आप हमको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी शॉप का नाम है HSC Enterprises और टीवी में आपको हमारे पास सारे साइज मिल जाते हैं, 17 इंच से लेकर 98 इंच तक। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे।